Good morning, everyone. Good morning to all of you. Welcome to proEducation Satellite Classes. I am CA Dharmendra Madaan. I will take your subject of Mercantile Law CPT. देखिए Mercantile Law का जो subject है, ये आपके CPT के चार subject में से एक है, और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण subject हो जाता है, क्योंकि ये subject आप लोगों के लिए नया subject है. CPT के अंदर हमारे पढ़ाने का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले आप वो समझिए. देखिए जरा ध्यान से. नंबर वन, आपके सारा कोर्स जो कंप्लीशन होगा, इसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कंप्लीट करना है. नो रट्टाफिकेशन, पूरा पूरा याद करके चलना है, लेकिन एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना है. याद रखिएगा, रटना नहीं है बेटे, समझ के चलेंगे. उसके बाद हम खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं. प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, और हमारे ये टारगेट रहेगा कि कराया हुआ एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कवर हो. और उसके साथ आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि घर पे भी खूब मेहनत करने वाले हैं आप लोग. चलिए उसके बाद कहते हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा आप घर पे मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे. इसके लिए हम आपके रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करेंगे. रेगुलर टेस्ट आपने देने हैं, जिससे आपका असेसमेंट होगा कि आप कितने पानी में है और कितना हवा में है. आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मुझे कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है. इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपके सामने आता है. अगला हमारा जो टारगेट रहेगा, हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम 100% मार्क्स को टारगेट करें. देखिए 100% मार्क्स को टारगेट करने के लिए आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके, एक एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर करके फिर आपने पढ़ाई करनी है. साथ ही साथ, अब एक बच्चा कहता, मदान सर हम तो लाइव क्वेरी पूछते हैं क्लास में, यहां कैसे पूछेंगे. बेटे यहां पे भी आप लाइव क्वेरी पूछोगे. इसके लिए हमने बड़ा सुंदर सिस्टम आपको दिया, उस सिस्टम का नाम है क्यूआरएस. अब बच्चा कहता, मदान सर ये क्यूआरएस क्या होता है. मैंने कहा क्यूआरएस का मतलब है क्वेरी रिजोल्यूशन सिस्टम. क्या है बोलो बेटा? क्वेरी रिजोल्यूशन सिस्टम. इस क्वेरी रिजोल्यूशन सिस्टम के जरिए आप हमें हाथों हाथ क्वेरी भेजते रहेंगे, और हाथों हाथ आपकी क्वेरी का सोल्यूशन होगा. चिंता की बात नहीं है, एक छोटी से छोटी क्वेरी आप मेरे पास यहां पे भेज सकते हो. आप हिंदुस्तान या वर्ल्ड के किसी कोने में बैठे हो, आप मेरे पास अपनी क्वेरी भेज सकते हो. तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक एक क्वेरी सॉल्व करेंगे और 100 में से 100 को टारगेट करेंगे. क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हुए, इसके बाद बेटे आगे बढ़ते हैं. अब हमारे सामने क्या लक्ष्य है, आइए जरा देखते हैं. मैं आपका सब्जेक्ट डील करूंगा मर्केंटाइल लॉ. बेटे ये मर्केंटाइल लॉ जो कवर होता है आपके एग्जाम में, ये 40 मार्क्स का कवर होता है. कितने मार्क्स का बोलो? 40 मार्क्स. अरे सर 40 मार्क्स है तो क्या, हम लाएंगे तो 40 में से 40 कैसे लाएंगे? जब खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे चीजों को, और प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे. तो ये सारी चीजें आपने मेरे साथ करनी है, और दिखा देना है कि हम हिंदुस्तान के नंबर वन स्टूडेंट है, और सबसे बढ़िया रैंक लेके आएंगे. जी नंबर वन, इस मर्केंटाइल लॉ के अंदर बेटे 3 एक्ट कवर होते हैं. कौन कौन से 3 एक्ट? पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. नंबर टू, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. नंबर थ्री, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. क्या बोलो? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. बस खत्म, इतना ही पढ़ना है हमारे को. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. बच्चा कहता, मदान सर ये तो बताओ कि कितना पढ़ के क्या मिलेगा. मैंने कहा बेटा लिखो, यहां पे जो मार्क्स असेसमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये एस्टीमेटेड है, कम ज्यादा हो सकता है, पर फिर भी सर दिमाग में तो रख के चलेंगे कितना पढ़ के क्या मिला. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 20 मार्क्स, सेल ऑफ गुड एक्ट 10 मार्क्स, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 10 मार्क्स, कुल मिला के हो जाता है 40 मार्क्स. ठीक है बेटा, ये 40 नंबर का आपका कवरेज हो जाएगा. इज इट डन?
वेरी गुड। तो सर जी हमें ये भी पता चल गया कि ये 20 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स मिला के 40 मार्क्स का आप कवरेज करेंगे। एक बात और ध्यान रखना बेटे, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है सीए में, और नेगेटिव मार्किंग होने के कारण सही किए हुए भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव वाला मार्क्स मिलेंगे और पॉजिटिव वाले के मार्क्स वो साथ में ले जाएगा। इसलिए याद रखना, बहुत ही कंसेप्चुअल क्राइटेरिया के साथ जाना है एग्जाम में, और 40/40 मार्क्स मुझे चाहिए हर कीमत पे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मदान सर आज क्या स्टार्ट करोगे? आज बेटे मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ डेफिनेशंस बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि लॉ क्या होता है। लॉ के बारे में पता ही नहीं मदान सर, तो बाकी चीजें क्या करें। आइए जरा सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज लॉ, व्हाट इज लॉ। तो लॉ क्या है? लॉ है रूल्स रेगुलेशंस। देखिए कहते हैं कोई कायदा कानून है या नहीं, हमारे बुजुर्ग बोल के गए, बुजुर्गों ने कहा है कोई कायदा कानून है या नहीं, हमने कहा है ना, उन्होंने कहा क्या है, हमने कहा जी लॉ है। लॉ क्या होता है? लॉ रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, लिखते रहना बेटे साथ साथ, लॉ रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ, दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। लॉ रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस समाज के मेंबर कौन है? इस समाज के मेंबर आप लोगों, आप लोगों और मैं हूं, हम सब लोग इस समाज के मेंबर हैं, और हमारी एक्टिविटी को जो गवर्न करेगा वो क्या कहलाएगा? लॉ। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटे तुम सुबह सुबह कभी गाड़ी लेके निकले हो, बाइक लेके, गाड़ी लेके स्कूटर या बाइक लेके? कहता हाँ हाँ सर। मैंने कहा सुबह सुबह रेड लाइट हो रखी हो तो क्या गाड़ी रोकते हो? कहता नहीं सर मैं नहीं रोकता। क्यों, मैं रोकूंगा तो पीछे वाला मेरे को उड़ा के चला जाएगा। मैंने कहा ये देखो कितनी मुश्किल है, आप पढ़े लिखे इंसानों के लोगों को नहीं फॉलो करते। मैंने कहा अच्छा दिन में जा रहे हो और रेड लाइट के पीछे वो खड़े हो कौन, ट्रैफिक पुलिस वाले, अभी रोकोगे नहीं रोकोगे? कहता सर रोकूंगा, चालान थोड़ी कटवाना है। द पॉइंट इज दैट लॉ फॉलो किया नहीं जाता, लॉ फॉलो करना पड़ता है। लॉ फॉलो किया नहीं जाता, लॉ फॉलो करना पड़ता है। तो लॉ इज ए बाइंडिंग फोर्स, लिखिए लॉ इज ए बाइंडिंग फोर्स। कहते हैं ना जिंदगी में कुछ काम किए नहीं जाते, करने पड़ते हैं, ऐसे ही लॉ इज ए बाइंडिंग फोर्स। लॉ फॉलो किया नहीं जाता, लॉ फॉलो करना पड़ता है। याद रखिएगा लॉ का मतलब क्या है बेटा, बोलो, रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमें रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम समाज में चल सकते हैं। याद रखिएगा रेड लाइट है तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी, रेड लाइट है तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी, और सारे कायदे कानूनों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप समाज में रह सकते हैं, क्योंकि समाज में रहते हुए आपकी जिम्मेदारियां हैं कि लॉ रेगुलेशन के अनुसार चले। तो लॉ रेफर टू द रूल रेगुलेशन दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। आपकी एक्टिविटी क्या होगी ये लॉ गवर्न करता है। उसके बाद एक बच्चे ने कहा मदान सर लॉ ना हो तो क्या होगा? मैंने कहा बेटा लॉ ना हो तो क्या होगा, आर सोसाइटी विल नॉट बी मोर देन ए जंगल इन द एब्सेंस ऑफ लॉ। और जंगल में किसका राज चलता है? शेर। शेर मतलब जो जितना पावरफुल है वो दूसरे के ऊपर एक्शन ले लेगा। आज कोई कितना ही करोड़पति क्यों ना हो पर आपको हाथ नहीं लगा सकता, क्यों? लॉ है, कायदा कानून है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। इसलिए हमें लॉ पढ़ना जरूरी है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में लॉ के बगैर हम चल ही नहीं सकते, कायदे कानून के बगैर हम चल ही नहीं सकते। अब लॉ के बारे में और जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए लॉ के बारे में क्लियर हो गया, लॉ रेफर्स टू द रूल्स रेगुलेशन दैट गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। अब हम आगे चले, और आगे चलते हैं तो हमने क्या मिला, हमने कहा चलो सारे लॉ तो हमने पढ़ने नहीं, हमने कौन सा लॉ पढ़ना है? मर्केंटाइल लॉ। बोलो बेटा कौन सा लॉ पढ़ोगे? मर्केंटाइल लॉ। अब सर ये मर्केंटाइल लॉ क्या होता है? इतना प्यारा वर्ड, मजा आ जाएगा पढ़ के। मर्केंटाइल वर्ड का मतलब जानते हो? आओ जरा देखें बेटे, ये जो मर्केंटाइल वर्ड है, मर्केंटाइल वर्ड जो है ये पता है कहां से बना है? ये बना है वर्ड मर्चेंट से। ये मर्केंटाइल वर्ड कहां से बना? वर्ड मर्चेंट, और मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, व्यापारी। इट इज द लॉ रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स।
इट इज द लॉ रिलेटेड टू, बोलो ना साथ साथ बोला करो प्लीज, इट इज द लॉ रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। किससे रिलेटेड लॉ है बोलो? ट्रेड एंड कॉमर्स। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस लॉ। बेटे इसको एक और नाम देते हैं, बिजनेस लॉ। क्या नाम देते हैं? बिजनेस लॉ। तो मर्केंटाइल वर्ड कहां से डिराइव किया गया? मर्केंटाइल वर्ड डिराइव किया गया वर्ड मर्चेंट, और मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। व्यापारी क्या करता है? उद्योग करता है, ट्रेड करता है, कॉमर्स करता है। ट्रेड और कॉमर्स से संबंधित जो लॉ होगा वो क्या कहलाएगा? मर्केंटाइल लॉ। और मर्केंटाइल लॉ का दूसरा नाम होता है बिजनेस लॉ। अब एक बच्चे ने कहा सर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करूंगा? मैंने कहा बेटे ऐसे करेगा कि बिजनेस लॉ रेफर्स टू द, लिखो बेटा, बिजनेस लॉ रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिजनेस लॉ रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज, दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। किससे रिलेटेड एक्टिविटी कवर करेंगे? ट्रेड एंड कॉमर्स। तो बिजनेस लॉ रेफर टू द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार से संबंधित सारी एक्टिविटी पढ़ेंगे। अरे भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम किससे डील करना है? व्यापारियों से, बिजनेसमैन से, ट्रेड चलाने वालों से, इंडस्ट्री चलाने वालों से। और अगर आपको लॉ की नॉलेज नहीं है, बिजनेस लॉ की नॉलेज नहीं है, तो किस बात की डिग्री ले रहे हो? याद रखिएगा आपको बिजनेस लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, और बिजनेस लॉ की सॉलिड नॉलेज आप यहां से लेके जाने वाले हो, डोंट वरी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मर्केंटाइल लॉ के बाद आता है, मैं सीधा अपने एक्ट पे आता हूं। चलो सीधा अपने एक्ट पे आता हूं। आइए तो हेडिंग डालिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक बच्चा कहता मदान सर मेरा तो हिंदी मीडियम है तो मैं कैसे बोलूं? मैंने कहा बेटे बोल, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और याद रखिएगा इस एक्ट के अंदर क्या क्या पार्ट है। एक छोटा सा पेज ले लो, एक पेज ले लो बेटे इस तरीके से, इस तरीके से पूरा पेज ले लो। उसके अंदर मैं आपको छोटा सा चार्ट बनवाने जा रहा हूं, और उस चार्ट को बनाने के बाद आपको खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं, डोंट वरी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेटे चार पार्ट आते हैं, 1 2 3 4। कितने पार्ट आ गए बेटा बोलो? 1 2 3 4, चार पार्ट। पहला आता है सेक्शन, एक्ट के अंदर सेक्शन होते हैं ना बेटे, सेक्शन 1 to 75। फिर आता है बेटा सेक्शन 76 से 123। फिर आता है सेक्शन 124 से 238। फिर आता है सेक्शन 239 से, बोलो ना, 239 से 266। तो ये चार पार्ट में हमने इस एक्ट को बांट दिया। एक्ट होता है अधिनियम, और ये एक्ट पास होता है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट से जितने भी सेंट्रल एक्ट है जो पूरे हिंदुस्तान पे अप्लाई होते हैं और कुछ जगह अप्लाई नहीं भी होते, तो वो कहां से पास होते हैं? पार्लियामेंट से। और स्टेट लॉ कहां से पास होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, यानी कि विधानसभा से। और जो ये पास होंगे आपके सेंट्रल एक्ट, वो पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा से पास होते हैं, ध्यान रखना। और पार्लियामेंट को एक्ट बनाने की अथॉरिटी दी है भारत के संविधान ने। भारत का संविधान का शेड्यूल नंबर 7 जो पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है लॉ बनाने की, याद रखिएगा। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 1 to 75 कवर करता है जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हम अपनी बुक में कवर करेंगे, एक बुक में आपको प्रोवाइड करूंगा बकायदा, उसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 to 10। 10 चैप्टर मैंने इसके ऊपर बनाए हैं, जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 76 से 123 यहां से हट गया। जब बच्चा घर का नालायक होता है उसे निकाल दिया जाता है, चले जाओ यहां से। तो इसी सेक्शंस को निकाल दिया गया और इसको कहा भैया जाओ अपनी दुनिया खुद बसाओ। वो मम्मी पापा बच्चा नालायक होता है निकाल देते हैं, नहीं निकाल देते, इसी तरीके से इसको भी निकाल दिया गया, जा बेटा निकल जाए यहां से। और इसने अपनी अलग दुनिया बसाई, यानी कि इसने जाके बाहर क्या बना, ये बना द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बेटे ये जो सेल ऑफ गुड एक्ट था ये पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही हुआ करता था। ये जो सेल ऑफ गुड एक्ट था ये पहले कहां हुआ करता था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बाद में अलग किया गया, याद रखिएगा इस बात को। ये स्पेशल बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताने वाला।
फिर 124 से लेके 238 तक कवर होते हैं बेटा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कवर होते हैं बोलो ना, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बेटे सीपीटी में नहीं है, आईपीसीसी में कवर होंगे आपके। इसमें आता है इंडिमिनिटी एंड गारंटी, इंडिमिनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, बेलमेंट एंड प्लेज, और तीसरा आता है बेटा एजेंसी, एजेंसी। ये तीनों एनआईसी लिख लो, नोट इन कोर्स, ये पढ़ेंगे आईपीसीसी के अंदर। और बेटे ये ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये सीपीटी में भी है और ये आईपीसीसी में भी है। ये भी ध्यान से पढ़ना, ये सीपीटी में है और ये आईपीसीसी में है, सीपीटी में नहीं है ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद बच्चा एक शैतान निकला तो दूसरा बच्चा कहता है बड़े भाई ने शैतानी की तो मैं भी करूंगा, मैं भी घर छोड़ के जा रहा हूं। हमने कहा चले जाओ, तुम भी चले जाओ। तो ये भी निकल गया, कहता मैं जा रहा हूं। हमने कहा जाओ। हमने कहा जा रहे हो? कहते मैं भी अपनी अलग दुनिया बसा रहा हूं। और इन्होंने भी अपनी अलग दुनिया बसाई, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना 1932। ये एक्ट कब बना था? सेलो गुड एक्ट, 1 जुलाई 1930। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बना? 1 अक्टूबर 1932। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना? ये बना 1 सितंबर 1872। याद रखनी है बेटे ये डेटे, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1 सितंबर 1872, सेलो गुड एक्ट आया 1 जुलाई 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया 1 अक्टूबर 1932। गॉट दिस पॉइंट एवरीवन? याद रखिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है। अब चलिए मैं एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। ये चार्ट क्लियर हो गया सभी को? तो बेटा आपको ये पढ़ना है सीपीटी में, ये पढ़ना है सीपीटी में, और ये भी पढ़ना है सीपीटी में। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे बाकायदा सीपीटी, ये भी सीपीटी में पढ़ना है। पर सर ये वाला पार्ट हम आईपीसीसी में पढ़ेंगे। पढ़ोगे ना, पहुंचोगे ना आईपीसीसी में डेफिनेटली, फिर उसमें हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहां पे समाप्त हो जाता है आपका, मतलब इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो गया। अब इसके बारे में हम आगे चलते हैं। अब बेटे कुछ डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर लूं, फिर आपके मन में भी रहे हां भाई हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आए हैं। सर देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन आती है कॉन्ट्रैक्ट। क्या आती है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कहां पे किया गया? ऑब्वियस सी बात है सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही तो डिफाइन किया गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया है सेक्शन 2 क्लोज H। सेक्शन 2 क्लोज H क्या कहता है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ में इन्फोर्स किया जा सके, कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। बड़े प्यार से पढ़ना है, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ में इन्फोर्स किया जा सके, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चा कहता मदान सर ये दो बातें बता दो कि एग्रीमेंट क्या होता है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होता है, तो मुझे ये भी क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैंने कहा ठीक है बेटा, तूने बहुत कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, एग्रीमेंट भी मैं बता दूं और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी मैं बता दूं, तो मैं पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एग्रीमेंट होता है किसी चीज पे राजी हो जाना, एग्री हो जाना, और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मतलब हम कोर्ट में जा सकते हैं। विस्तार में बताऊंगा, अभी चिंता ना करें। एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ में इन्फोर्स किया जा सके, लॉ में मुकदमा डाला जा सके, लॉ में स्यू किया जा सके, लॉ में केस डाला जा सके, क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आपने मेरे से सीपीटी पढ़ने का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने मेरे से सीपीटी पढ़ने का कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर मैं अपना वादा नहीं निभाता तो आप कोर्ट में जा सकते हो, और आप अपना वादा नहीं निभाते तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं। याद रखिएगा, लॉ की भाषा में कहते हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। अब बचपन की बातें मत बोलना, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। चलिए तो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, बोलो ना, सब पता है आपको, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ में इन्फोर्स किया जा सके, लॉ में मुकदमा डाला जा सके, लॉ में केस किया जा सके, लॉ में स्यू किया जा सके, क्या माना जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। सर एक एग्जाम्पल हो जाए छोटा सा, ऐसे बात नहीं बनेगी। लिखो बेटा, लिखो एग्जाम्पल, लिखो
ए एग्रीज टू सोल्ड हिज कार टू बी फॉर रुपीज 1 लाख. ए एग्रीज टू सोल्ड हिज कार टू बी फॉर रुपीज 1 लाख. ए ने एग्री किया कि बी भाई ऐसा है, मैं तेरे को अपनी कार भेज दूंगा 1 लाख रुपए की. बी कहता ठीक है. बी एग्रीज टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी. बी एग्रीज टू पे द प्राइस. बी एग्रीज टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी. कहता ठीक है, तुम मुझे कार दोगे, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा. हो गया एग्रीमेंट. अब इन दिस केस इफ ए रिफ्यूज टू डिलीवर द कार, कल को ए कार डिलीवर करने से मना कर दे, तो बताओ मुझे कोर्ट में कौन जा सकता है? बी कोर्ट में जा सकता है, नहीं जा सकता? यस, बच्चे कहते हैं बी कोर्ट में जा सकता है. तो याद रखिएगा, अगर ए ने कार डिलीवर करने से मना कर दिया, बी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. बी कैन गो टू द, बोलो ना, बी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. बी कोर्ट में जा सकता है. एंड इफ बी फेल्स टू पे द प्राइस, अगर बी ने पैसे देने से मना कर दिया, ए कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. तभी तो हम कहते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा. देर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, बोलो ना, ए एंड बी. ए और बी के बीच में कुछ तो हुआ है. क्या हो गया है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. देर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी. क्लियर है बात? तो सिंपल सीधी रिवीजन, पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को फाइनल टेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. आइए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या बताया? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट. और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ. यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ में इन्फोर्स किया जा सके, लॉ में मुकदमा डाला जा सके, लॉ में केस किया जा सके, क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट. पर सर फिर भी अगर हमें कोई डिटेल में बता दे कि एग्रीमेंट क्या होता है और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होता है, तो हमें यह भी क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. कौन बताएगा? अरे मैं ही बताऊंगा भाई. यानी कि एग्रीमेंट क्या होता है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होता है, आइए पढ़े. तो हेडिंग डालिए एग्रीमेंट. अगली हेडिंग आ रही है बेटे आपके सामने, एग्रीमेंट. जल्दी जल्दी हेडिंग डालो, शाबाश. एग्रीमेंट सेक्शन टू क्लोज ई. बेटे सेक्शन टू के बाद सब सेक्शन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? क्लोज. सेक्शन टू क्लोज ई कहते हैं एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. हां जी, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. हर वादा, प्रोमिस का मतलब क्या होता है? वादा. हर वादा और हर सेट ऑफ प्रोमिस मतलब दो प्रोमिस होंगी. आपने भी मुझे वादा किया और मैंने भी आपको वादा किया, तो दोनों का वादा मिलकर क्या कहलाया? सेट ऑफ प्रोमिस. आपने भी वादा किया और मैंने भी वादा किया, तो हम दोनों का वादा मिलकर क्या कहलाया? आपने मुझे वादा किया, मैंने आपको वादा किया, तो सेट ऑफ प्रोमिस. सेट ऑफ प्रोमिस को एक और नाम दिया जाता है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. प्रोमिस के बदले प्रोमिस क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. तो एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? अरे भाई, हमने फीस दी है तो बदले में हमें भी तो कुछ चाहिए. मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए. कहने का मतलब यह है बदले में अगर आप, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे फीस चाहिए, और आप मेरे से पढ़ने आए हो, आपने फीस दी है तो आपको क्लास चाहिए. तो बदले में आई वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न. एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस इनफॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इच अदर इज एन एग्रीमेंट. यानी कि हर वादा और हर सेट ऑफ प्रोमिस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एग्रीमेंट. तो सर एक एग्जाम्पल तो बताओ. जरूर बताएंगे जी, क्यों नहीं बताएंगे. देखो जी, ए ने बी को प्रोमिस किया किस चीज का? टू डिलीवर 100 bags of wheat. ए ने बी को प्रोमिस किया टू डिलीवर 100 bags of wheat, और बी ने ए को प्रोमिस किया
टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी, टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी, टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी। ए ने बी को प्रॉमिस किया टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ व्हीट और बी ने ए को प्रॉमिस किया टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी। अब देखो बेटे, ए की तरफ से क्या है वादा और बी की तरफ से भी क्या है वादा, ये दोनों प्रॉमिस मिलकर क्या बना दिया, इन दोनों प्रॉमिस ने मिलकर क्या बनाया बोलो ना। वेरी गुड आंसर, इन दोनों प्रॉमिस ने मिलकर बनाया रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे इतने बढ़िया बढ़िया आंसर देते हैं, मजा आ गया। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, इन दोनों प्रॉमिस से मिलकर क्या बना रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, वादे के बदले वादा, याद रखिएगा। और एक बात बताओ बेटा, ए की तरफ से बी को क्या कंसिडरेशन है, ए ने बी को क्या दिया? सर कुछ नहीं दिया, वादा किया है। अरे किस चीज का वादा किया है, कंसिडरेशन क्या है 100 बैग्स ऑफ व्हीट, ए बी को क्या देगा बोलो 100 बैग्स ऑफ व्हीट। तो ए की तरफ से बी को क्या कंसिडरेशन है 100 बैग्स ऑफ व्हीट। क्या बात है, बच्चों को सारी बातें मालूम है, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ए की तरफ से बी को क्या कंसिडरेशन है 100 बैग्स ऑफ व्हीट और बी की तरफ से ए को क्या कंसिडरेशन है प्राइस, बी की तरफ से ए को क्या कंसिडरेशन है प्राइस। तो देखो ना बेटे, प्रॉमिस भी है, प्रॉमिस भी है, कंसिडरेशन भी है, प्रॉमिस भी है, कंसिडरेशन भी है, दोनों चीजें आ गई। क्या है बोलो, प्रॉमिस भी है और कंसिडरेशन भी है, तो ये क्या बन गया, कुछ तो बोलो, ये बन गया एग्रीमेंट। क्या बन गया बोलो, एग्रीमेंट। याद रखिएगा, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इच अदर इज एन एग्रीमेंट। हां जी, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इच अदर इज एन एग्रीमेंट। हर प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रॉमिसेस आपस में मिलकर जो कंसिडरेशन फॉर्म करते हो क्या माना जाएगा, एग्रीमेंट। और प्रॉमिस प्लस, नीचे दिखाइए सर, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया बोलो, एग्रीमेंट। इज इट डन एवरीवन? नहीं सर, अब दो बातें बता दो, कोई हमें ये बता दे कि प्रॉमिस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, तो हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। अब अगर हमें कोई ये बता दे कि प्रॉमिस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, तो हमें यह भी क्लियर हो जाएगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो सर ये कौन बताएगा, चलिए बताते हैं। आइए अगली हेडिंग डालिए, तीसरी डेफिनेशन, प्रॉमिस। प्रॉमिस आज तो बच्चे याद करके जाएंगे, यहां से बच्चे तो पक्का पक्का याद करके जाएंगे, पक्की बात है। आइए तीसरी हेडिंग डालिए, प्रॉमिस। प्रॉमिस को बताता है सेक्शन 2 क्लोज बी, सेक्शन 2 क्लोज बी, प्रॉमिस। आओ बच्चों सेक्शन 2 क्लोज बी को पढ़ते हैं, प्रॉमिस को देखिए। ए प्रपोजल, अरे सर अब आपने काम की बात की है हमारे, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। पहली बार हमने सुना हुआ नाम सुना है दोबारा से, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। अब ये प्रपोजल क्या होता है, अरे सर हमें मालूम है ऐसे ऑफर बोलते हैं, हाँ जी। एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रॉमिस। यानी कि ए ने बी को ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया, विल यू बी माई, अभी देखो आगे मत बोलना, मुझे बोलने दो, विल यू बी माई कंपनी एम्प्लॉय, विल यू बी माई कंपनी एम्प्लॉय। बच्चे बहुत सारी चीजें लगा देते हैं आगे, ए ने बी को ऑफर दिया विल यू बी माई कंपनी एम्प्लॉय, और बी ने ए को कहा एक्सेप्टेंस दे दिया, कहता है ऑफ कोर्स। ए ने बी को कहा क्या तुम मेरे कंपनी के एम्प्लॉय बनोगे, बी ने कहा यस ऑफ कोर्स। तो ए ने ऑफर दिया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, इनके बीच में क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। तो प्रॉमिस को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, प्रॉमिस इज इक्वल टू, अपने आप बोलो, देखो मैं नहीं बोल रहा अब, हाँ जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड आंसर, प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। वेरी वेरी गुड, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बनाते हैं, प्रॉमिस। बन गया जी, बन गया, हो गया पक्का वाला वादा। तो वादा तो हो गया, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। एक ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा, और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्ट
जाना पड़ेगा। अब सर दो डेफिनेशन रह गई है छोटी छोटी, एक तो हमें कंसिडरेशन बता दो क्या होता है और एक हमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ बता दो क्या होता है, फिर हम जरा फ्री करते हैं चीजों को। तो चौथा पॉइंट आता है आपके सामने कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन को लेटिन भाषा में कहा जाता है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, कुछ वापसी में मिलना जरूरी है, कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। अगर आपने हमें फीस दी है तो आपको भी कुछ वापसी में मिलना जरूरी है, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें भी कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। एक बच्चा गया गोलगप्पे वाले के पास, कहता 10 रुपए के गोलगप्पे दे दो। अब वो 10 रुपए दिए और उसने 3 गोलगप्पे दे दिए, कहने का मतलब क्या है, उधर से गोलगप्पे मिले और इधर से क्या मिले, पैसे, कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। यानी कि कंसिडरेशन दोनों तरफ से है, कंसिडरेशन दोनों तरफ से है। तो कहते हैं क्विड प्रो क्यू समथिंग इन रिटर्न। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ए ने अपनी बाइक बी को सोल्ड की, ए ने अपनी बाइक सोल्ड की किसको, बी को, कितने रुपए की, 10,000 रुपीज की, पुरानी बाइक थी 10,000 में बेच दी। तो ए की तरफ से क्या कंसिडरेशन है बी को, जल्दी जल्दी बता दो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सब कुछ आता है आपको, बस मुझे तो रिकॉल कराना है। ए ने बी को क्या दिया, बाइक दी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर। बी ने ए को क्या दिया, बोलो ना, बी ने ए को 10,000 रुपए दे दिए और 10,000 रुपए बी की तरफ से कंसिडरेशन हो गया। अरे भाई कुछ वापसी में मिलना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फ्री में थोड़ी काम करोगे। तो ये क्या है, कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, समथिंग इन रिटर्न, कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी कुछ वापसी में मिलना जरूरी है, अगर आपने फीस दी है आपको भी कुछ वापसी में मिलना जरूरी है, अगर आप कहीं गोलगप्पे खाने जाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो तो वहां पे भी वापसी में मिलना जरूरी है। अगर आप मेट्रो से सफर कर रहे हो और आप बस से सफर कर रहे हो, आप वहां पे टिकट देते हो और वो आपके घर तक आपको छोड़ते हैं। सर मेरे घर पे तो आती नहीं बस, घर पे नहीं, घर के पास स्टैंड पे, आपके घर के पास थोड़ी जाएगी बस। चलो तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कंसिडरेशन मतलब क्विड प्रो क्यू समथिंग इन रिटर्न। चलो सर चलो, आखिरी डेफिनेशन कौन सी रह गई, बोलो ना। अच्छा, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ की आखिरी डेफिनेशन आपके सामने है। चलिए लास्ट डेफिनेशन आ रही है बेटे, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब इसमें लिखना, बड़ी प्यारी प्यारी भाषा लिखवाऊंगा इसमें। क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्या, बताओ, बताओ ना मुझे, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे? नहीं सर नहीं, केवल वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसे लॉ में, बोलो, इन्फोर्स किया जा सके। तो कहते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। इतनी सिंपल भाषा सर, वेरी गुड। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ओनली दोज एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, only those agreements are contracts, only those agreements are contracts which are enforceable by law। हाँ सर ये तो हम पढ़ चुके, which are enforceable by law। सारे agreement contract नहीं होते, केवल वो agreement contract होते हैं जिसे law में enforce किया जा सके। अब बच्चे ने पूछा कि मदान सर बताओ कौन से agreement होते हैं जिनको law में enforce किया जा सके, तो मैंने कहा लिखो, an agreement is said to be, an agreement is said to be enforceable by law, an agreement is said to be enforceable by law if it creates legal obligation, if it creates legal obligation on the part of parties, on the part of parties। जो parties के part पे क्या create करते हो, बोलो, लीगल ऑब्लिगेशन। अंडरलाइन कीजिए सब लोग, लीगल ऑब्लिगेशन। तो इसके बाद कहते हैं एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल, मॉरल और डोमेस्टिक नेचर, एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल, मॉरल और डोमेस्टिक नेचर कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स because the intention of parties is not to create a legal relationship। legal relationship। चलो जी, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर।
पढ़ते हैं जरा ध्यान से, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, केवल वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें लॉ में इन्फोर्स किया जा सके। यानी कि एक एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब माना जाएगा, अगर वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हो। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कानूनी दायित्व। एग्रीमेंट जो सोशल नेचर के होते हैं, मॉरल नेचर के होते हैं, डोमेस्टिक नेचर के होते हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जरा ध्यान से देखना, वो एग्रीमेंट जो सामाजिक नेचर के होते हैं, नैतिक नेचर के होते हैं, घरेलू नेचर के होते हैं, यानी कि सोशल नेचर, मॉरल नेचर, डोमेस्टिक नेचर, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि वहां पे पार्टी की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं होती। सर एक एग्जांपल हो जाए, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया, अभी थका हारा आया था बेचारा ऑफिस से, अब कहती मेरी बातें सुनो, नाराज हो गया, कहता अभी मैं नहीं सुन रहा, अभी वो नाराज होकर बैठ गई, उसको मनाने के लिए क्या कहा, कल संडे है मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें साड़ी दिला के दूंगा, एक गाना गा के सुनाओ, आप मुझे एक गाना गा के सुनाओ, मैं तुम्हें साड़ी दिला के दूंगा। अब वाइफ ने गाना गाना शुरू कर दिया, अभी वो कहानियां सुना रही थी, चलो गाना ही सुन लो, अब गाना गाना सुना शुरू कर दिया, अब वाइफ सारी सारी रात गाना गाती रही, वो आराम से सो गया। अगले दिन सुबह उठा तो नाश्ते की टेबल पे स्लिप आ गई, खाने की जगह स्लिप आ गई, पहले साड़ी दिला के दो। अब पता चला जी हस्बैंड ने साड़ी दिलाने से मना कर दिया, कहता मैं नहीं दिला रहा, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो सीरियस ही हो गई। अब हस्बैंड ने साड़ी दिलाने से मना कर दिया, वाइफ को इतना गुस्सा आया, वाइफ कोर्ट चली गई, वाइफ कोर्ट चली गई, कोर्ट में जाके कहती जज साहब दुहाई है, दुहाई है जज साहब, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा था गाना गा के सुनाओ, मैं तुम्हें साड़ी दिला के दूंगा, और देखो साड़ी नहीं दिलाते, बड़े बुरे हस्बैंड है। अब जज साहब कहते हैं मैं क्या करूं, लड़ाई लड़ाई घर की लड़ाई है आपकी, आपकी घरेलू लड़ाई है, यहां पे हस्बैंड की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं है। तो लॉ ने कहा लड़ाई लड़ाई माफ करो और घर जाओ। लॉ ने कहा, जज साहब ने कहा ये डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है, यहां मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आपके हस्बैंड की इंटेंशन आपके साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं थी। इसी के ऊपर एक केस आया, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, बेल्फर वर्सेस बेल्फर के केस में क्या हुआ, 1919 का केस था, 1919 का बेल्फर वर्सेस बेल्फर में एक हस्बैंड जब एब्रोड जा रहा था, विदेश जा रहा था, उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया मैं तुझे मंथली अलाउंस भेजता रहूंगा। अब वो विदेश चला गया, जब विदेश से वापस आया तो पता चला अब विदेश चला गया था तो वहां पे उसने मंथली अलाउंस भेजा नहीं अपनी वाइफ को, अब वाइफ तो वाइफ है। जब विदेश से वापस आया तो बेलन और चिमटों के साथ स्वागत हुआ, उसके बाद वाइफ उसको ले गई कोर्ट, और कोर्ट में जाके कहती है जज साहब ये देखिए इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये मुझे साड़ी दिला के देंगे, मेरे को मंथली अलाउंस भेजते रहेंगे, सॉरी ये मुझे मंथली अलाउंस भेजते रहेंगे, पर इन्होंने मुझे मंथली अलाउंस नहीं भेजा। तो जज साहब ने कहा आपके हस्बैंड की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं थी, आपके हस्बैंड के साथ जो एग्रीमेंट था वो डोमेस्टिक नेचर का था, तो यहां पे आप कोई क्लेम नहीं ले सकती। तो लॉ ने केस को डिसमिस कर दिया, द केस इज डिसमिस ऑन द ग्राउंड दैट द एग्रीमेंट इज ऑफ डोमेस्टिक नेचर, द इंटेंशन ऑफ हस्बैंड वॉज नॉट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप विद द वाइफ, हेंस देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, अगर यहां पे जो रिलेशन है डोमेस्टिक नेचर का है, अगर लीगल रिलेशनशिप जब तक नहीं है कोर्ट में नहीं जा सकते। अब एक बच्चा कहता सर क्या दो भाइयों के बीच में लीगल रिलेशन हो सकता है, मैंने कहा हाँ हो सकता है। कहता सर ये तो गलत बात है, दो भाइयों के बीच में कैसे लीगल रिलेशनशिप हो जाएगा, अगर उनके बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है वहां पे लीगल रिलेशन होता है। अगर उसने प्रॉपर्टी सेल करने का, एक ब्रदर ने अपने दूसरे ब्रदर को प्रॉपर्टी सेल करने का एग्रीमेंट किया तो वहां पे लीगल रिलेशनशिप है, वहां पे लीगल रिलेशनशिप है। याद रखना कोर्ट रिलेशन को नहीं देखता, कोर्ट इंटेंशन को देखता है, कोर्ट रिलेशन को नहीं देखता, कोर्ट इंटेंशन को देखता है। अगर इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की है तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, जरूर माना जाएगा। तो याद रखिएगा इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब एक स्टूडेंट मेरा कहता है मदान सर आप चाय पे आना, मैंने कहा ठीक है भाई मैं चाय पे आऊंगा, मैंने कहा खिलाएगा क्या, कहता जो आप कहो, मैंने कहा बेटे एक प्लेट पकौड़े साथ में काजू बर्फी साथ में 5-7-10 आइटम मैंने लिखवा दी, मैंने कहा ये नाश्ता है खाने का ऑर्डर साथ में तैयार रखियो। कहता ठीक है कब आ रहे हो, मैंने कहा बेटा संडे आ रहा हूं। अब संडे को पता चला जी मेरे घर में कोई आ गया, मैं नहीं जा पाया। उस बच्चे ने 2000 रुपए खर्च कर दिए मदान सर के आव भगत के लिए, कहता मदान सर को छका के भेजेंगे खिला पिला के, मैं अब गया नहीं मजबूरी पड़ गई नहीं जा पाया। तो क्या वो कोर्ट में जाएगा,
अब बच्चा नाराज हो गया, कोर्ट चला गया, कहता जज साहब ये देखो सारा सामान ले गया, कहता ये देखो समोसे, ये देखो जलेबी, ये सारा सामान मदान सर के लिए लाया था और मदान सर तो आए नहीं, मेरे को इसका कंपनसेशन चाहिए। कोर्ट कहते इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब वो बच्चा कहता मदान सर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था आने का पर नहीं निभाया, वादा किया था पर नहीं निभाया। जज साहब कहते बेटा ये जो एग्रीमेंट है वो सोशल नेचर का है, लीगल नेचर का नहीं है। आप मदान सर को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते क्योंकि मदान सर की इंटेंशन आपके साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं थी। इज इट डन एवरीवन? तो याद रखिएगा पार्टी की इंटेंशन क्या होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। तो पांच डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर की, पक्का पक्का क्लियर हो गया ना? चलो इसको फाइनल पैकअप कर देते हैं। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का भी पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब इन पांचों पॉइंट पे हल्का हल्का सा आपके साथ शेयरिंग कर लेते हैं, फिर एक छोटे छोटे दो चार क्वेश्चन करके आपको फ्री करेंगे। सुनिए, सबसे पहली डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। एग्रीमेंट क्या होगा? एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेज फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इच अदर इज एन एग्रीमेंट, डन। प्रोमिस क्या होता है? अरे सर ये तो हमें बचपन से मालूम है, ए प्रपोजल वेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रोमिस। उसके बाद अगला क्या आ गया, जल्दी जल्दी बोलो ना, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यू, क्या होता है बोलो, अरे बोलो ना भाई, क्विड प्रो क्यू दैट इज समथिंग इन रिटर्न, कुछ वापसी में मिलना जरूरी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ओनली दोज एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट विच आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ, विच आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ विच क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, याद रखना वर्ड लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। एग्रीमेंट ऑफ सोशल मॉरल डोमेस्टिक नेचर आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज नॉट टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, डन एवरीवन। अब छोटे छोटे एमसीक्यू करा दें, बच्चों को लगना चाहिए कि एमसीक्यू में आते हैं, देखते हैं जरा आंसर देंगे आप लोग, मैं बच्चों के आंसर देखूंगा। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मैं चॉइस नहीं देता, मुझे तो सीधा आंसर चाहिए भाई। आइए क्वेश्चन नंबर वन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, यह रहा लॉ इंक्लूड्स, चलो चॉइस से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ए रूल्स, बी रेगुलेशंस, सी गाइडलाइंस, डी ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, तो क्या आंसर आएगा इसका? लॉ इंक्लूड्स रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, ऑल ऑफ द अबव। हां जी, आंसर भेजिए, शाबाश। जी हाँ, वेरी गुड आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर टू। हां जी, डैश इज द लॉ दैट गवर्न्स एंड रेगुलेट्स, दैट गवर्न्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। यहां से क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। डैश इज द लॉ दैट गवर्न एंड रेगुलेट एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, बताइए आंसर। हां जी, वेरी गुड आंसर, मर्केंटाइल लॉ। कुछ बच्चों ने मर्केंटाइल लॉ आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने बिजनेस लॉ आंसर दिया है, दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है, मर्केंटाइल लॉ। बहुत ही स्पीड से चलते हुए कंपटीशन शुरू हो चुका है, और यही कंपटीशन होता है कि फटाफट फटाफट आंसर करने होते हैं, जल्दी जल्दी आंसर सभी बच्चों के मेरे पास आते हैं, वेरी गुड आंसर। तीसरा पॉइंट, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, कब आया जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, अरे बोलो ना भाई, यस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, वेरी गुड आंसर, फर्स्ट सेप्टेंबर 1872। बहुत ही बढ़िया बढ़िया आंसर देते हुए बच्चे। अगला, द सेल ऑफ गुड एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, केम इनटू फोर्स ऑन कब आया जल्दी जल्दी बता दो, अब इसका आंसर मैं बताऊंगा, फर्स्ट जुलाई 1930। अरे सर दौड़ने में बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ, बस ऐसे ही दौड़ना है,
ऐसे ही दौड़ना और सबसे पहले रैंक वन को पकड़ लेना है। कोई रैंक वन पकड़ लो, कोई रैंक टू पकड़ लो, कोई रैंक थ्री पकड़ लो, फटाफट दौड़ के जल्दी से रैंक पकड़नी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तैयार है सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, देखते हैं कौन सा सेंटर सबसे पहले आंसर भेजता है मेरे पास। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इंटू फोर्स ऑन, बताइए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इंटू फोर्स ऑन। यस, वेरी गुड आंसर, फर्स्ट अक्टूबर 1932 कब आया? फर्स्ट अक्टूबर 1932। बेटे ये तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन कराए थे, अब आज के क्वेश्चन तब हो पाएंगे जब आप ये 5 टॉपिक रिवाइज करोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, उसके बाद प्रॉमिस, कंसिडरेशन और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये 5 टॉपिक रिवाइज करके आइएगा। उसके बाद हम बढ़िया तरीके से ये 5 टॉपिक जब आप रिवाइज कर लोगे इस पर खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो कसम खा लीजिए सब लोग, आज प्लेज ले लीजिए कि हमें इंडिया में नंबर 1 मार्क्स लेके आने हैं और खूब प्रैक्टिस करनी है, हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आपको अलविदा करना चाहूंगा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं अपने इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, प्रो एजुकेशन को ज्वाइन करने के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से हमारे साथ मेहनत करते हुए रैंक्स लाएं, टॉप करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।